हेलो फ्रेंड्स, आई क्रिएशन यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक ड्रिल चक। ड्रिल चक या तो फिर आप इसे शाफ्ट कनेक्टर भी बोल सकते हैं। और शाफ्ट कनेक्टर या ड्रिल चक जो है आपको पता ही है ऑनलाइन कितना महंगा मिलता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इसे सिर्फ 25 रुपीज खर्चा करके बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ही प्रोफेशनल। तो मुद्दे से ना भटकते हुए चलिए चलते हैं बाबा के ढाबा पर। अरे ये तो मैं मुद्दे से ही हट गया। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो अब जब बाबा की ढाबा में आ ही चुके हैं हम लोग, तो देख लेते हैं खाना बनाने के लिए कौन कौन सा चीजों की जरूरत पड़ेगा। यानी कि मेरा मतलब है कि इस ड्रिल चक को बनाने के लिए कौन कौन सा चीजों की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो है एमसील। एमसील ग्लू आपको लेना होगा और ये आप 20 रुपीज वाला एक ला सकते हैं या तो फिर 10 रुपए वाला दो ला सकते हैं। दो से आपका काम बन जाएगा। सेकंड जो है वो है कुछ स्क्रू। आपका 4 स्क्रू लगेगा 1/2 इंच का और 2 लगेगा वॉशर। एक वॉशर का होल मिडिल में बड़ा होना चाहिए, एक वॉशर का होल आपके मोटर के शाफ्ट के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह का वॉशर और स्क्रू आप ले लीजिए। ये आपको 5 रुपए का किसी भी हार्डवेयर दुकान में इजीली मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपको कुछ मेजरमेंट टूल्स लेना पड़ेगा, जैसे कि स्केल हो गया, कंपास हो गया, ये आपको मेजरमेंट के लिए लगेगा। फोर्थ है इसका एक साचा बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग एमसील को भरेंगे और तभी ये गोल चक जो है हमारे निकल के आएगा है। तो साचा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मोटा सा पेपर का यूज किया है, लेकिन आप चाहे तो कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला कि इसका एक साचा बनाना पड़ेगा, तो साचा बनाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत मेजरमेंट करना पड़ेगा। और मेजरमेंट किस चीज की, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको स्केल को ले लेना है और स्केल के जरिए जो है आपको कंपास में एक नाप लेना है जो कि होगा 15 mm का। 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का आप मार्क ले लीजिए और कागज के ऊपर जो है एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सर्कल ड्रॉ करना ऑब्वियसली आपको आता ही होगा, तो चलिए फटाक से कर दीजिए। सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद आप सर्कल को जो है कैची से काट लीजिए, यानी कि सीजर की मदद से आप सर्कल को अच्छी तरह से काट लीजिए। और काटने के बाद आपको इसका मिडिल पॉइंट को देखते हुए आप जो बड़े वाले वॉशर हमने लिए थे उसे इसे इसके मिडिल पॉइंट पर चिपकाना है। ठीक है, आप अच्छी तरह मिडिल पॉइंट को देखकर इसे चिपका दीजिए। और आप देख सकते हैं कि पेपर के ऊपर हमने और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जिसका लेंथ है 94.24 mm एंड हाइट है 30 mm। तो इसी डायमेंशन में रखते हुए आप भी पेपर में इस तरह का ड्रॉ कर लीजिए और उसको भी कैची से काट दीजिए। एंड काटने के बाद आप कोई भी राउंड शेप का चीज लीजिए और उसके ऊपर इस पेपर को जो है अच्छी तरह से लपेट दीजिए और लपेटने के बाद जो है इसे ग्लू से अच्छी तरह से चिपका दीजिए ताकि आपका इस तरह का शेप बन जाए। एंड ये वाला हो जाने के बाद आपको जो सर्कल वाला पार्ट है, सर्कल वाला पार्ट को इसके नीचे जो है आपको अच्छी तरह से चिपका देना है। तो आपका जो है साचा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और मैं आपको ये सब स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ड्रिल चक का जो साचा है वो रेडी हो चुका है। तो आपको अगर लगता है कि ये तरीका मुश्किल है तो मैं आपको दूसरा तरीका यानी कि इसका ऑल्टरनेट तरीका मैं भी बता दूंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए और मैं आपको ऑल्टरनेट तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको इसे बनाने में आसानी हो। सिंपली आपको कोई भी झमेला करने की कोई जरूरत नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, कोई माप झुक नहीं। आपको क्या करना है कि एक जुगाड़ लगाना है। और जुगाड़ में क्या करना है कि आपको एक इस तरह का ढक्कन, किसी भी चीज का ढक्कन आप ले सकते हैं, इस तरह का ढक्कन का आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इस ढक्कन के जरिए भी आप काफी अच्छी तरह से इस चीज को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आपको क्या करना है। तो आगे आपको जो हमने एमसील ग्लू लिया था उस ग्लू को जो है अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करना है। इसके अंदर से 2 ग्लू निकलता है और आपको दोनों को एक साथ मिक्स करना होता है। तो प्रॉपरली आप मिक्स कर लीजिए जब तक एक काला कलर का ना हो जाए, ठीक है, ब्लैक कलर का ना हो जाए, तब तक आप इसे मिक्स करते रहिए। और मिक्स करने के बाद जो है हमारे साचे में इसे भरना होगा अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं किस तरह से इसे भरना है। एंड आप इस तरह से जो है पूरी तरह से आपको साचे के अंदर जो है पूरी टूस टूस के आपको एमसील को भर देना है और ऊपर तक पूरा एकदम भर देना है। ठीक है, भरने के जब ये भर जाए तो भरने के बाद आपको जो छोटा वाला हमने वॉशर लिया था और जिसका होल जो है हमारे मोटर के शाफ्ट के बराबर था, तो वो वाला वॉशर को हमें इसके ऊपर एकदम मिडिल पॉइंट पे रखना है। ठीक है, रखना है यानी कि आपको चिपका देना है अच्छी तरह से एमसील से। ठीक है, एंड ये सब हो जाने के बाद आपको इसे आधा घंटा तक करीबन सूखने देना है, सिर्फ आधा घंटा तक सूखने देना है। और उसके बाद जो है आपको एक कील लेना है या फिर आप कोई भी रॉड ले सकते हो या स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हो। तो स्क्रू ड्राइवर से जो है आपको दोनों तरफ इसका होल बनाना पड़ेगा। जिस तरफ हमारे मोटर का शाफ्ट लगेगा उस तरफ एक होल बनाना पड़ेगा और दूसरी तरफ जहाँ हमारा ड्रिल बिट लगेगा उस तरफ भी एक होल बनाना पड़ेगा। तो हमारे दोनों साइड जो हमने वॉशर दिया था और वॉशर में जितना होल था उतना ही आप होल कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको साइड में 3 और होल बनाना है। जिस तरफ ड्रिल बिट लगेगा उस तरफ आपको 3 होल बनाना है और तीनों में आपको 3 स्क्रू लगा देना है। ठीक है, हमने जो स्क्रू लिए थे वो स्क्रू 3 आपको लगा देना है और एक स्क्रू जो है आपको ऊपर की ओर यानी कि जिस तरफ हमारा मोटर का शाफ्ट लगेगा उस तरफ आपको होल करके लगा देना है। तो आप स्क्रू को इजीली इस तरह से लगा सकते हैं।
एंड स्क्रूज को लगाने के बाद आपको इसे सूखने के लिए छोड़ देना है। और जब ये सूख जाए तो आप इसका ऊपर वाला जो पेपर है यानी कि जो हमने साँचा बनाया था उस साँचे को पूरा तरह से फाड़ देना है, यानी कि पेपर को सारे हटा देना है। और हटाने के बाद आपको सॉलिड जो है ड्रिल चक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रिल चक आपको थोड़ा उबड़ खाबड़ लग रहा होगा, तो उबड़ खाबड़ को ठीक करने के लिए हम लोग इसे मोटर के साथ लगाएंगे और फिक्स करके। और देखिए इस तरह से जो हम लोग सैंड पेपर लेंगे और सैंड पेपर से इसे इस तरह से घिसेंगे थोड़ा सा, तो ये जो है पूरी तरह से राउंड बन जाएगा। और अब हमारा जो है ड्रिल चक बिल्कुल ही रेडी है काम करने के लिए। तो चलिए इस पर एक ड्रिल बीट को लगाते हैं और ड्रिल करके देखते हैं किस तरह से होता है। और फिर हम लोग इस पर एक शैफ्ट को भी लगाएंगे और खींच कर देखेंगे कि कितना क्या ये शैफ्ट निकल जाता है कि नहीं। अब देख सकते हैं कि इस पर मैंने एक ड्रिल बीट को लगा लिया है और चलिए अब इस पर ड्रिल करते हैं। लेकिन एक दिक्कत है कि मुझे इस मोटर को चलाने के लिए ज़्यादा एम्पियर वाला बैटरी का जरूरत है, लेकिन वो मेरे पास है नहीं। तो मैं इसे कम एम्पियर से चला रहा हूँ तो इसका स्पीड जो है थोड़ा स्लो हो रहा है, इसलिए ड्रिल थोड़ा स्लो स्लो होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ड्रिल करके। और ड्रिल जो हमने इस पर किया है तो ड्रिल बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन मोटर का स्पीड थोड़ा कम था तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया ड्रिल करने में। तो चलिए अब इस पर एक शैफ्ट को लगाते हैं। और शैफ्ट को देखिए मैंने लगा लिया है और इसको जो है खींच कर देखते हैं। तो चलिए देख सकते हैं ये आप ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल में आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।